ये मास तो अनिवार्य है, लेकिन सालों से लोग अपने चेहरे पर मुखौटा लगाए घूम रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं हमारे आसपास, हमारे बीच, जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अगर उन्हें नजदीक से देखें, गौर से परखें, तो उनके चेहरे पर हमारे लिए मुस्कुराहट तो है, लेकिन उनके आस्तीन में खंजर भी छिपाए रखे हैं। वो ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और होते हैं, जो सारी दुनिया के सामने एक ऐसा चेहरा लगाए घूम रहे हैं जो वो होते ही नहीं। उन्हें देखकर ये बिल्कुल अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उनके मुखौटे के पीछे जो उनका असली चेहरा है वो कितना भयानक और कितना घातक है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में घटी 3 लोगों की निर्मम हत्या ने सबको सकते में डाल दिया, खासकर पुलिस को, क्योंकि इस घटना के पीछे वजह अनसुनी, अनदेखी और हम सबकी सोच और समझ के बिल्कुल परे था। रजनी, रजनी आई। अरे पत्नी जी, जल्दी आइए। कहाँ चले गए थे आप और इतनी देर कहाँ लगा दी? तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करने गया था। हाँ ये लो, आ जाओ, जल्दी खोलो, हेल्प करवाओ ना। हाँ हाँ, अच्छी है ना? पता है पूरे 4 घंटे गए इन्हें सिलेक्ट करने में, ये एक एक चूड़ी चुन चुन के लाया हूं। पर इतना सब। अरे एक बात तो रह गई, पिक्चर अभी बाकी है मेरी जान। और भी कुछ लाए हो क्या? टन टन टन, आज शाम की मूवी टिकट्स, मूवी देखेंगे, डिनर करेंगे, मजे करेंगे। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अभी पहन के दिखाओ। इसे कहते हैं किस्मत। कितना अच्छा पति मिला इस रजनी को, और एक हमारे हैं जो हमें पूछते तक नहीं है। हाँ नेहा, कब से कॉल कर रही थी, तुझे आज एक फिल्म के बारे में बताना था। यार फिल्मी लाइफ तो तेरी है, रोमांस खत्म ही नहीं होता। एक हम है जिनको शादी के बाद टीवी तक देखने को नहीं मिलता, और एक तू है मजे से पति की बाहों में सिमट कर पिक्चर हॉल में पॉपकॉर्न और फिल्म का मजा उठाती है। तो अब चुप कर। हाँ, हर बार घुमा फिरा कर बस यही बात करती है। तुझे बस इतना बताना था कि फिल्म अच्छी है, देख लेना। ओके बाय। क्या बात है गीता, आज फिर तो लेट आ रही है। माफ कर दो दीदी, वो दरअसल घर पर अलमारी की मरम्मत करवा रही हो तो। देख बता देती हूँ तुझे, रोज रोज तो ऐसे बहाने नहीं चलेंगे, वैसे घर में बहुत काम पड़ा है, जा जाके काम कर। गीता इधर आओ, ये लो कुछ पैसे। जैसा मेरी बीवी कहती है वैसे करो, ठीक है? मेरी सुबह सुबह मेरी बीवी के चेहरे पे मुझे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। जी सर। क्या करते हो आप, सबको बिगाड़ के रखा है आपने। इट्स ओके बाबा, एनीथिंग फॉर यू। ऐश तो तेरे हैं भाई, जमीन भी तेरी अच्छे खासे दामों में बिक गई और हर महीने दुकानों से भारी किराया भी आता है। सच है यार, लाइफ हो तो तेरे जैसी।
और तेरे पार्टनर बनने के बाद और भी ज्यादा सेट हो जाएगी लाइफ तेरी है मेरी। अच्छा है ना, कम से कम अपना पूरा टाइम आप फैमिली को दे पाओगे। मगर आपने बच्चे को बोर्डिंग स्कूल क्यों भेज दिया, वो भी इतनी कम उम्र में? अरे भाभी ऐसे ही टफ बनेंगे बच्चे, वैसे भी सारा प्यार बच्चों पे थोड़ी ना लुटाना है। रोहन कैसे हो बेटा, पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? जून की छुट्टियों में हम सब शिमला चलेंगे, तो तुम घर आने के लिए रोना मत। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना, बाय। गीता इधर आ। घर का काम करते हुए खुद की नुमाइश मत लगाया करो, वरना याद रखना तुम्हें बदलते मुझे देर नहीं लगेगी। जाओ वहां झाड़ू लगाओ। जी। अरे नवीन पवन आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैसे हो? बस सब बढ़िया। ठीक सब बढ़िया, आपकी कृपा है। अरे कृपा तो ऊपर वाले की होती है। बताओ कैसे आना हुआ? दुकान का किराया देना था तो सोचा इसी बहाने आपसे मिल लिया जाए। अपनों से मिलने के लिए बहाने नहीं ढूंढे जाते। और रही बात किराए की, तो इस बार का तुम दोनों का किराया माफ, हमारी तरफ से होली का तोहफा समझो। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे? अरे शुक्रिया वगैरह बाद में करना, मेरी एक मदद कर दो, आ जाओ। एक बात बताओ, इनमें से कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी है? मुझे तो दोनों अच्छी लग रही है। हाँ मुझे भी है ना, इसलिए मैं दोनों उठा के लेके आ गया। अच्छी। अरे रजनी चलिए, मुकेश जी चलते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग, चलते हैं। चलो चलो जी, बाय। देखो ये कैसी है? फिर से साड़ियाँ, इतनी सारी तो रखी हुई हैं। अरे हाँ लेकिन ये वाले कलर नहीं है ना तुम्हारे पास, इसलिए मैं लेके आ गया। अच्छी है ना? हाँ ठीक है। पहन के दिखाओ ना प्लीज। ओके। यार पवन, मुकेश जी से दोस्ती बनाए रखने में ही अपनी भलाई है और फायदा भी, बस थोड़ा और भरोसा जीतना होगा। सही बोले, जिस दिन मौका मिलेगा ना दुकान अपने नाम करा लेंगे। विवेक तू फिर आ गया? रिश्ते में तू मेरा छोटा भाई नहीं होता ना, अभी पुलिस बुलवाकर तुझे जेल भेज देता मैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, अपने पैसे लेने आया हूँ। किस बात के पैसे? बाबूजी के जाने के बाद जितनी जमीन तुझे मिली थी उतनी ही जमीन मुझे भी मिली थी, अब तू सब बेच खाया तो उसमें मेरा क्या कसूर? मगर याद रखना, बाबूजी के मरते टाइम इस घर का बंटवारा नहीं हुआ था, आज भी इस घर पे मेरा बराबरी का हक है। निकल निकल यहां से।
बड़ा है इस घर पे हक जताने वाला, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना लौट कर आऊंगा तुझसे तेरा सारा हिसाब करने। निकल, निकल। ये दीदी बिना पता नहीं कहाँ क्या रखा है, मुझे क्या पता है। फैक्ट्री की जमीन देख ली है मैंने, कल फाइनल डील करने चलना है हम दोनों को। यार मैं नहीं जाऊंगा यार, तू ही चले जा। वैसे भी मैं जाऊं या तू जाए बात एक ही है। और ये जमीन बेच के जो सारे पैसे मिले थे वो सारे पैसे इसमें देख कि डील क्रैक हो जाए। इतना ट्रस्ट, एक बार फिर सोच ले भाई, कहीं धोखा ना दे दूं। यार देख पार्टनर बने तो इतना भरोसा तो करना ही पड़ेगा, वैसे भी तो किस्मत थोड़ी लेके जाएगा मेरी। हाँ। चल, 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 मिलते। हाँ। कैरेट मिला टमाटर? अरे ले आए बस, क्या करे दिन भर। ए विष्णु इधर इधर। हाँ बोलो। पर कितनी बार बोला है तुझे कि मेरे घर में ये सब्जी छोड़कर आया कर, है? समझ में नहीं आता तेरे। ये ले, ये जा। नौकर नहीं है तुम्हारे, बराबरी के हैं। तुम भी दुकानदार हो और मैं भी। बड़ी जुबान निकल रही तेरी, शायद तू जानता नहीं मुकेश जी के हम कितने खास हैं। कितने भी खास होंगे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी ये गुंडागर्दी मुझ पर नहीं चलेगी। क्या कहा? गुंडागर्दी? साले तुझे हम गुंडे नजर आते हैं। ए, 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 छोड़। जाने दे, बाद में देख लेंगे। तुम क्या देखोगे? अगर हमारे हत्ते चढ़ गए ना तो कहीं के नहीं रह पाओगे। अबे कहीं का तो तू नहीं रहेगा। तू नहीं रह पाएगा। पर तुझे पता नहीं किससे पंगा ले लिया तूने? क्या है इसमें? दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो सारी हीरोइन है ना, यही वाला मेकअप लगाती है। बहुत महंगा है, मैंने अपने दोस्त से मंगाया, इंपोर्टेड है, पूरे 50,000 का। लेकिन इतने फालतू पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? अरे मेहनत की है मैंने, 15 दुकानें बनाई है, अब बस चैन से जीना चाहता हूँ, ऐशो आराम से। जितना भागना था पैसे के पीछे भाग लिया, अब पैसा मेरे पीछे भागता है। जो चाहिए वो खरीद सकता हूँ, अपने लिए और तुम्हारे लिए। लेकिन फिर भी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, एक काम करो, अच्छे से तैयार होके आ जाओ, हम बाहर जाएंगे, ठीक है? चलो। हेलो। हेलो, और बता क्या नया गिफ्ट दिया है तुझे तेरे पति देव ने? गिफ्ट नहीं, सब बेकार का खर्चा है। एक इम्पोर्टेड मेकअप किट लाके दिया है 50,000 का। हाय, अब तो तेरे पति से प्यार होने लग गया है मुझे। चल अब तू पका मत, मुझे बहुत काम है। बाय बाय। पागल लड़की। इधर रुको, इधर आओ। जी साहब। रजनी, रजनी ने बुलाया, इसकी तलाशी लो। क्यों, क्या हुआ? तलाशी लो, मैं बताता हूं। क्या है ये? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी?
बिना पूछे घर से कुछ भी ले जाने की हिम्मत कैसी हुई? किसी को पूछा तुमने? अगर मैं नहीं देखता तो आज तो नुकसान कर जाती तुम हमारा। शांत हो जाइए आप। वैसे भी आर्टिफिशियल इयररिंग्स। आर्टिफिशियल है तो क्या हुआ? कितनी मेहनत करके ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ मैं इन्हें, पता है? तुम्हें तो फिक्र ही नहीं है किसी बात की। अगली बार तुम्हें पकड़ा ना मैंने ऐसी हरकत करते हुए, सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। माफ कर दो साहब, अगली बार कसम से ऐसी गलती नहीं होगी। निकलो अभी। शांत हो जाइए आप, बैठिए। अरे सुपर, आ जाओ। और बस मुकेश जी आपके लिए। अरे अरे ये सब क्या है? अरे भाई आप हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि नहीं बनता? क्या बात है, तो अब इसको लाए हो तो इसको निपटा कर भी जाओ। ला पिला दे साकिया पैमाना, पैमाने के बाद। क्या पैमाना पैमाने सर, क्या बात है। आ जाओ बैठते जी। चलिए चलो। दीदी दीदी आपको लगता नहीं है कि साहब ने इन दोनों को बहुत मुंह लगाया हुआ है? उनकी दरिया दिल का फायदा उठाते हैं। तू भी तो पूरा फायदा उठाती है उनका, सब पता है मुझे। कोई घर भर में काम नहीं चल रहा तेरे, अब झूठ बोलकर तू पैसा इटती है उनसे। जा काम पे ध्यान दे। वैसे मुकेश भाई तेरे कुछ ज्यादा कड़ा गई उस विष्णु में। अरे कितना बुरा भला कह रहा था इनके बारे में। और हाँ थोड़ा काम का क्या बोल दिया, सीधे बोल रहा किराया देता हूँ, कोई मुफ्त में नहीं ली है दुकान। अच्छा एक काम करो, उसको कल दुकान खाली करने के लिए बोल दो। ठीक। साहब ऐसा मत कीजिए साहब, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बीवी बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे साहब। तो ये सारी बातें तुम्हें अपना मुंह खोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। मेरा डिसीजन फाइनल है, निकलो। साहब मेरी आप पूरी बात तो सुन लीजिए साहब। साहब मैं आपके पैर विष्णु कहने सुनने की कोई जरूरत ही नहीं है। दो दिन दे रहा हूँ मैं तुझे, मेरी दुकान मुझे खाली चाहिए। अब इस तरह दूसरों की बातों में आकर मुझे बर्बाद करके क्या मिलेगा साहब आपको? इन बातों का भी कोई फायदा नहीं है विष्णु, तुम जा सकते हो। साहब साहब आपने अच्छा नहीं किया। मुकेश जी आपने तो कमाल ही कर दिया, विष्णु के साथ जो जो किरायेदार अपनी हदें पार करने लगे थे ना वो सब लाइन पे आ गए। समझ नहीं आता कि आपको कैसे धन्यवाद करूं। धन्यवाद छोड़, कल की दो बोतलों में से एक बोतल अभी भी बची, आज उसे निपटाते। बिल्कुल, मतलब पैमाना पैमाने के बाद। पैमाना पैमाने के बाद। भाई साहब कभी हमारे साथ भी बैठ के पी लिया करो। यार भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, तू फिर से आ गया? पवन नवीन इसको घर से बाहर फेंको यार। ओए बता यदि मुझे किसी ने हाथ भी लगाया तो। फेंक दो इसको बाहर। छोड़ो मुझे। चल छोड़। मुझे मजा किरकिरा करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद, दोबारा आना मत इधर। साले मुकेश के चमचो, तुम लोगों का एक दिन वो हर्ष करूंगा साले, याद रखोगे। जी भैया बोलिए। वैसे अब तक सुना था कि मुकेश आप पर तोहफों की बारिश करता रहता है, पर अब जान भी लिया है। मुझको मैसेज कर आपके लिए 3 सिल्क की साड़ियाँ मंगवाई हैं। शादी से पहले वाले आशिक तो सुने थे, शादी के बाद वाला ये पहला देखा है। वैसे मुकेश का फोन नहीं लग रहा है, आप उससे कहना कि 20 लाख में 50,000 कम निकले। क्या ये कैसे हो सकता है, ऐसी गलती तो कभी नहीं होती उनसे। इसलिए मैंने भी पूरे भरोसे के साथ पार्टी को पैसे दिए थे, लेकिन उसने गिन के देखे तो बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, इसलिए फोन किया था। ठीक है मैं उन्हें बता देती हूँ। दीदी आज रहने दो, कल बता देना। वैसे भी वो विवेक भैया के चक्कर में बहुत परेशान है,
और ये सुनकर और हो जाएंगे। रहने दो, कल बता देना। वैसे ठीक बोल रही है तू। तू फटाफट काम कर, मैं उन्हें सलाद देकर आती हूँ। जी। हेलो, कल तक साहब को पता चल जाएगा और शायद वो पुलिस को भी बुला ले। अब क्या करें? क्या इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है। अब बस बहुत हुआ, अब मैं कुछ भी करके अपना हक लेके रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। गीता सुन, साहब को पानी दिया ऊपर। जी दीदी। जो जिंदगी मुकेश जी रहा था वो न जाने कितनों का सपना था। उसका खुशहाल परिवार, पैसों की कभी कोई कमी नहीं, और मुकेश और रजनी की जोड़ी तो ऐसा कि लाखों में क्यों, करोड़ों में। आसपास के कई लोगों ने तो मुकेश को अपना आदर्श बना दिया था, क्योंकि वो न केवल एक अच्छा इंसान था जो सबकी मदद करता था, सबके दुख दर्द, उनके प्रॉब्लम सुनता था, मगर एक ऐसा बिजनेसमैन भी था जिसने खुद की मेहनत से बहुत कुछ अर्जित किया था। तो फिर क्या थी मुकेश की गलती जो उसे मौत के मुंह तक ले गई? क्या वो उसकी दरिया दिली थी, या उसकी संगत, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि मुकेश की वजह से पवन और नवीन की हत्या हुई, या फिर नवीन और पवन की वजह से मुकेश को मारा गया? आखिर किसकी नजर लग गई थी मुकेश की खुशहाल जिंदगी को? घर की तलाशी लो और बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। अब हमें पता लगाना होगा कि आखिर इस घर में घुसकर इन तीनों की हत्या कर कौन सकता है। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म किया? जी सर। ठीक है। ओके। तीनों की मौत हो गई ना? हाँ यार, भला मुकेश जैसे अच्छे इंसान को कौन मारा होगा? अरे ये तो होना ही था, दुनिया भर की नजर तो लगी थी उसे, तभी तो कहते हैं जमाने में इतना अच्छा होना भी सही नहीं है। अब इस बात का पता पुलिस ही लगा पाएगी कि हत्याकांड के पीछे चोरी चकारी, आपसी रंजिश थी, या फिर हमारी तुम्हारी बीवियों की नजर। सही कहा तुमने, दोनों की जोड़ी थी बड़ी खूबसूरत। मैं और गीता घर में ही थे, ना जाने कौन कहां से आया और ये सब। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं बच्चे को कैसे इन्फॉर्म करूं। हम जैसे ही ऊपर पहुंचे साहब, हमने उन तीनों की लाशें देखी साहब। ऊपर जाने का कोई दूसरा रास्ता भी है क्या? हाँ है ना साहब, दो रास्ते हैं ऊपर।
साहब मैंने उन लोगों को नहीं मारा, माना उन सब पर मेरा गुस्सा बहुत था, मगर साहब इतना भी नहीं कि मैं सबकी जान ले लूँ। और वैसे भी मैं कल रात को सब्जी मंडी में था, सब्जी लेने गया था, आप चाहें तो पता करवा लीजिए साहब। वो तो हम पता करवा लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमारी कार्रवाई पूरी होने से पहले तू बाहर नहीं जा सकता शहर के। जी साहब। ठीक है सर। मुकेश की काम वाली भाई गीता ने बताया था कि मुकेश का छोटा भाई विवेक उस रात उसके घर आया था, तो उस रात उनका झगड़ा भी हुआ था। सर वो मेरा भाई था, मैं उसका खून क्यों करूंगा सर? कि तुम्हें अपने भाई की मौत से फायदा होने वाला था, और सुना है कि तुम लोगों में लड़ाइयां होती थी। बाबूजी के मरते टाइम इस घर का बंटवारा नहीं हुआ था, और आज भी इस घर पे मेरा बराबरी का हक है। निकल निकल यहां से, बड़ा है इस घर पे हक जताने वाला, दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, निकल। अभी तो जा रहा हूं, याद रखना लौट कर आऊंगा तुझसे तेरा सारा हिसाब करने। चुपचाप बता दो वरना। सर उस रात को तो मैंने इतनी पी रखी थी कि जिस पेड़ के नीचे मैंने पिया था सर मैं सुबह तक वहीं पड़ा रहा, और सर सर मैंने खून किया होता तो मैं वहां से भाग नहीं जाता। सर यदि आपको यकीन ना हो तो आप आसपास वालों से पूछ लीजिए। ठीक है जाओ तुम। तुम विवेक पर नजर रखो कि वो सही बोल रहा है कि नहीं, और ये पता करो कि इसके साथ और कोई भी है जिसको मुकेश की मौत से फायदा होने वाला था। सर ये खबर मिली है कि मुकेश के नए बिजनेस में उसका नया पार्टनर संदीप भी है। हे भगवान बस इस बार बचा ले, मैं जेल नहीं जाना चाहती, अब हम भी क्या करते, इसके सिवा और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं मुकेश को क्यों मारूंगा सर? उन पैसों के लिए जो आपने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे। सर जिस बिजनेस में मेरा ज्यादा पैसा लगा था मैं महज 20 लाख रुपए के लिए उसको क्यों बर्बाद करूंगा? और वैसे भी सर उस दिन मैं शहर से बाहर था। क्यों शहर से बाहर जाकर लोगों को मारा नहीं जा सकता? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद उस रात भाभी को फोन कर ये बताया था कि भाभी पैसों में 50,000 रुपए कम है। भाभी जी मुकेश का फोन नहीं लग रहा है, आप उससे कहना कि 20 लाख में 50,000 कम निकले। ठीक है जाइए आप। थैंक यू। तीनों मर्डर घर में हुए हैं और मामला पैसों से भी जुड़ गया है। काम वाले की घर की तलाशी लो, पवन और इस नवीन की भी हिस्ट्री निकालो। जी सर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, भगवान की कसम। तुम्हारे घर पे ये 50,000 रुपए क्या कर रहे थे? देखो सच सच बोल दो वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं अक्सर मुकेश जी के यहाँ चोरी किया करती थी। उसमें बहुत सारे पैसे देखकर मेरी नियत खराब हो गई और मैंने 50,000 निकाल लिए साहब। पर मैंने नहीं मारा उन्हें साहब, मैं तो बस वहाँ काम करती थी। जिसकी नजर मालिक के पैसों पर रहती है, जो वहाँ चोरियां करती है तो वो मालिक को मार भी सकती है। अच्छा तो इनने की उसकी हत्या। देखो हमें पता चल चुका है कि तुमने ही उन तीनों की हत्या की है, तो अब ज्यादा होशियारी मत दिखाओ और सीधा सीधा सच बोल दो। आप पागल हो गए हैं क्या? भला मैं अपने पति को क्यों मारूंगी?
सारी दुनिया जानती है कि मैं उनसे कितना प्यार करती थी और वो मुझसे कितना। पता था तुम इतनी आसानी से अपना जुर्म तो नहीं कबूल करोगी। हमको वो डंडा मिला था जिस पर कोई फिंगरप्रिंट तो नहीं थे, लेकिन उस पर कपड़े का टुकड़ा जरूर था। लाल टुकड़े को हमने फॉरेंसिक लैब में भेजा, उसके बाद तुम्हारे घर की तलाशी ली तो बाथरूम में हमें लाल साड़ी मिली। वो साड़ी को हम अपने साथ ले गए और उस टुकड़े को तुम्हारी साड़ी से मिलाया तो वो तुम्हारी ही साड़ी का था, और उस साड़ी पर तीन तीन लोगों के ब्लड के सैंपल थे। तुम्हें क्या लगा तुम लाल खून को लाल साड़ी में छुपा लोगी? लेकिन हमारी फॉरेंसिक टीम ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अब सच पूरा साफ हो चुका है, तुम अपनी जबान से बोल दो। बोलो। वो मुकेश बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा दुनिया वाले उसे समझते थे। वो बिल्कुल ही अलग था। ना जाने एकदम से कैसे उसे औरतों के कपड़े पहनने का शौक चढ़ गया। वो साड़ी पहनने लगा, मेकअप करने लगा और जेवरों का शौकीन होने लगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की मगर कुछ बोल नहीं पाई। क्या करती, कहाँ जाती, अनाथ हूँ, कोई नहीं है मुझे सहारा देने वाला। वो मेरे नाम पर अपने लिए साड़ी, मेकअप और जेवर का सामान लाता। मेरी आड़ में वो अपने शौक पूरे करता था। मुझे साड़ी पहनाओ ना। मैंने कहा मुझे साड़ी पहनाओ। ठीक से पहनाओ। मेरे सामने तो ये राज खुल गया था, लेकिन एक दिन देखा कि मैंने कमरे में और उसके बाद जो इन तीनों के बीच कमरे में होने लगा वो मैं बता भी नहीं पाऊंगी। वो इंटरेस्ट लेने लगा था सजनी सवरने में। मैं बिंदी लगाती, तैयार होती, वो मेरी हेल्प करता और उसे बहुत अच्छा लगता था ये सब। मैं पहना
बहुत प्यारी लग रही हो। एक ये वाली लिपस्टिक ट्राई करो ना, ये जो मैं लाया था। लगा हल्के से। हाँ इसे क्या कहते हैं? ब्लश। कैसे लगाते इसको? मैं लगाऊं? बहुत प्यारी लग रही है तुम। वो मुझे सबके सामने धोखा दे रहा था। उसने अपना शौक पूरा करने के लिए मुझसे मेरे बच्चा दूर कर दिया। उसने मेरे प्यार और सम्मान का अपमान किया। उसने मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। लेकिन फिर भी मैं चुप रही। लेकिन उस दिन उसने अपनी अय्याशियों की सारी हदें पार कर डाली। उसने अपनी अय्याशियों की सारी हदें पार कर डाली। और रजनी, हम भी एंजॉय करते हैं। रजनी, क्या था ये? हाँ, पति हूँ तुम्हारा, पति। मैं कह रहा हूँ जाओ उसके साथ। पति? पति होने का अर्थ भी समझते हैं आप? अगर समझते तो ऐसी नीच और गंदी हरकत कभी नहीं करते। क्या कहा? हाँ? कौन? क्या कर रहे? छोड़ो, छोड़ो। क्या कर रहे? छोड़ो मैं। छोड़ो मुझे। क्या बदतमीजी है ये? छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। रजनी, क्या कर रही हो? उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया। मार डाला मैंने सबको, लेकिन अपने बच्चे के लिए खुद को कानून के हवाले नहीं किया। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी है। अगर तुम इसके खिलाफ आवाज पहले ही उठाती तो शायद मुकेश इस हद तक ना जाता। और जो तुमने गुस्से में आकर कदम उठाया, उसकी सजा तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चे को भी मिलेगी। अब वो अपने माँ बाप दोनों से दूर हो जाएगा। ले जाओ।
मुकेश की ज़िंदगी में जो बदलाव आए थे उससे उभरने वाले जज्बात कहीं ना कहीं कई लोगों की जिंदगियों पर असर करने लगे थे। एक माँ से उसके बच्चे दूर हो गए। उसने अपनी बीवी के सामने अपनी बेशर्मी की सारे हदें पार कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपनी बीवी के विश्वास और इज्जत को भी दांव पर लगा दिया। वक्त रहते रहते अगर रजनी ने मुकेश के इलाज के लिए कोई ठोस कदम उठाया होता तो शायद ये घटना टल सकती थी। इंसान की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, मगर उसे ये याद रखना चाहिए कि वो अपनी खुशी के लिए किसी और का बलिदान ना दे दे, ऐसा माहौल ना पैदा करे जो बर्बादी का कारण बन जाए। क्योंकि कई बार एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। चलिए यहीं समाप्त करते हैं आज के जुर्म और जज्बात की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। हो सकता है वो कहानी हमें एक नया सबक सिखा जाए। क्यों? नमस्कार।